बज रहे हैं रात के अभी, और मैं जा रही हूँ मम्मी को मेहंदी लगाने के लिए। मैंने खुद मेहंदी लगाई थी तो ये दो कोन थोड़े बचे थे, उससे मैंने मम्मा को मेहंदी लगा दी, बस बैक साइड लगाई है थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लगाई। आपको बताइएगा कैसी लग गई है मेहंदी मेरी। उसके बाद हमने नमाज पढ़ी मैंने और मम्मा ने साथ में। आजकल हम लोग शुवार के रोज़े रखते हैं ना, इसलिए हम ज़्यादा सोते ही नहीं हैं रात में, छपते रहते हैं। उसके बाद आज मेरा खाने का मन हो रहा था कुछ मुख्तलिफ, तो मैंने ब्रेड लिया, एग लिया और खीरा और मिर्च, लेकिन मैं सोच रही थी क्या बना, तो देखिए मैंने अंडा बनाया, ऐसे करके एक सैंडविच बना लिया मैंने। उसके बाद हमने सहरी की, मम्मा नमाज पढ़ी रही थे अभी, और फिर मैं बना के आई कि एक मम्मा के लिए एक मेरे लिए, फिर हम दोनों ने। और ये दही मैंने भी कहा कि दही उतनी अच्छी नहीं थी, आपको मत लीजिएगा। तो भाई सभी बच रहे हैं चार, और मैं बैठ के लिख रही थी अपना असाइनमेंट, और बहुत मुझे लिखना है, मेरे थोड़े कम्प्लीट हो गए अपने बात में। और मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे पेपर्स लिखे लिख सकती और अभी रखे थे मुझे और लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं बड़ा पाव, तो इसमें मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, अल्लाह मैंने धनिया निकाल लिए, धनिया उसमें से कुछ ख़राब हो गए तो वो मैं उससे हटा दूँगी और बाकी जो सही होंगे वो यूज़ करूँगी। और ये देखिए मैंने अपना बैटर रेडी करके रखे है, तो आज मैं बनाऊँगी बड़ा पाव। मैंने थोड़े से धनिया और ले ली, धनिया मैंने बांध के रखा था पर पता नहीं फिर भी कुछ उसमें से ख़राब हो गए, तो मैं वो सब निकाल रही थी, फिर मैंने वो सब निकाल के अलग कर दिया। फिर मेरे बड़ा फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया बट इट्स ओके। और मुझे वो वाला पाव वाला बन नहीं मिला तो मैंने ये छोटा वाला मंगा लिया, अब मैं जल्दी से मैं सीख लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना बन सीख रही हूँ, पाव तो मिला नहीं है, पाव जल से ही। और ये भी मेरे फ्राई हो गए हैं ऑलमोस्ट, बाहर निकाल लेती हूँ। गाइस ये देखिए माशाल्लाह से मैंने तीन बना लिए हैं, देखिए टेस्टी से मज़ेदार से रेडी है मेरे वड़ा बन, ये पाव ही बोल सकते हैं, वैसे भी ये छोटे छोटे से हैं, स्मॉल स्मॉल, तो दैट्स नॉट बैड। तो अब चलते हैं। तो गाइस अब अजान होने वाली है 5 मिनट में, तो देखिए हम आज खजूर और वड़ा पाव से इफ्तार करेंगे। तो गाइस अब नमाज बाद इफ्तार भी हो गया, नमाज भी हो गया, अब मैं बना रही हूँ चाय। बड़ा पाव मशाला बहुत अच्छा बना था, तो अन्य जा रही हूँ चाय। फिर मैंने और मम्मा ने बैठ के साथ चाय पी और बिस्किट खाया। तो अब मैंने सब्जी निकाली है, कुछ गोभी, बैगन, मिर्च, टमाटर वगैरह, और थोड़े से आलू भी ले लिए क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं तहरी। मैं तहरी खाने का मूड हो रहा था तो इसलिए मुझे थोड़ा बनाना है, इसलिए मैंने थोड़ा मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल लिया है, जिसको हम जल्दी जल्दी से कट कर लेंगे। बात करते करते मैंने बैगन ऑलरेडी कट कर लिया, अब मैंने थोड़ी सी गोभी कट करनी थी, मुझे करनी है तो फिर मैंने उसको छुरी से कट किया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ी इसके लिए गोभी ले ली, और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से आलू कट किया, पहले गोभी की सारे मुझे जो नीचे था ना वो मैंने कट करके हटा दिया, बाकी उसके लिए ले लिया मैंने गोभी। उसके बाद मैंने आलू कट किया जल्दी जल्दी से, तो वो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे कटोरे में आलू को रखा है, बिकॉज गोभी के साथ तो नहीं रख सकते ना, फिर वॉश करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने अलग अलग कट करके रख लिया आलू को, अलग मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जल्दी जल्दी, देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे और आलू की जरूरत है, तो मैंने और आलू भी जैसे कट कर लिया ऑलरेडी, मशाला से मेरे आलू भी कट हो गए और गोभी भी कट हो गए। अब मैं जा रहा हूँ तहरी बनाने, इसलिए मैं सब्जियों को वॉश करके मसाला तैयार करके सब्जी में रख दिया, और फिर उसके बाद मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। यहाँ पर मेरी तहरी पक रही है, तो मैंने सोचना चाहता था कि मैंने सब क्लीन भी कर दिया कि माशाल्लाह से मेरी मसी की तहरी तैयार है, और मैंने पाव के साथ जो चिकन बनाई थी वो है, मैंने सलाद बना लिया। फिर इसके बाद अब हम जा रहे हैं खाना खाने, हमने खाना खाया, बहुत मसी की तहरी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी थी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब।